कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त हो, छकास हो गाइस। तो गाइस हमारी रजिस्ट्रेशन आप जस्ट यहाँ खड़ी है, देख सकते हो हमारी गाड़ी बाइक सो सेक्सी, इसलिए कुछ भी बोला जाए। तो गाइस हमारी आज की वीडियो बहुत ज्यादा हाइपर होने वाली है, हाइपर वाली राइड करने वाले हैं इस बाइक से। पहली बार हम लोग करने वाले, फर्स्ट गियर चैलेंज करने वाले, कितनी भागती है वो तो सबको तो मालूम ही है कितना भागती है ये रजिस्ट्रेशन, पर मैं पहली बार इस बाइक पे जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा 200 पार ले जाऊं, और इस बार ले जाने का पूरा कोशिश रहेगा। तो गाइस अपने हेयर स्टाइल पूरा चेंज हो चुका है, देख सकते हो हमारा पूरा बाल छोटी हो गई, पूरा आर्मी कट जैसे लग रही है। तो देखो जैसे जैसा कि प्रो राइडर जैसा, और प्रो राइडर तो मुझे पसंद भी था गाइस, तो उनके लिए दिल से सल्यूट है। तो गाइस देख सकते हो हमारी रजिस्ट्रेशन अभी रेडी है, और हम लोग आज जाने वाले हैं बहुत भयंकर राइड पे, और देख सकते हो हमारे पूरा रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। तो बताओ गाइस कैसी लग रही है हमारी हेयर स्टाइल, छोटी बाल पर छोटा हो गया, बहुत लोग बोल रहे हैं क्यों कटवा लिया, बहुत लोग बोल रहे हैं अच्छा ही लग रहा है, कोई कोई बोल रहा है आर्मी कट बेस्ट लग रहा है। तो गाइस हमारी आज वन फर्स्ट गियर पर चैलेंज करने वाले हैं, कितनी भागती है हमारी रजिस्ट्रेशन की 2024 की रजिस्ट्रेशन है, पहली बार हम भगाने वाले हैं, कितनी भागती है हमारी रजिस्ट्रेशन देखते हैं। फर्स्ट गियर में 160 जाती है मालूम है उतना, तो देखते हैं हमारी बाइक कितना, मैं कितना लेके जाता हूँ। मेरा उतना तो एक्सपीरियंस बहुत कम है इस बाइक का, उतना ज़्यादा स्पीड ले आना बहुत ज़्यादा ही बहुत कम ही मतलब ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ना, तो इसके कारण थोड़ा सा स्लो डाउन ही रहते हैं। तो गाइस रेडी होते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को लेके, कोल्ड स्टार्ट करते हैं इस बाइक को। तो गाइस पहले पहनते हैं अपना मोटो ब्लॉक सेटअप को, और अपनी ग्लव्स पहनते हैं पहले, तो ग्लव्स सब बहुत जरूरी है। मेरे पास जैकेट तो नहीं है राइडिंग जैकेट, पर उसको भी बहुत जल्द ले लूंगा, बहुत जरूरी होती है सेफ्टी के लिए। तो उसके तो गाइस एक चीज और इसमें करने वाला हूँ, जो मैं लॉन्च कंट्रोल ऑन करूंगा पहली बार इसमें, और देखेंगे फर्स्ट गियर में कितना भागती है। तो वह तो आपको वीडियो में पूरा एंड तक पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। 2024 का बाइक है, न्यू बाइक है, तो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मोटो ब्लॉगिंग स्टेशन। फुल पीपीएफ भी हो चुका है, तो डर उतना नहीं है स्क्रैचेस का, तो इसीलिए मजा आता है। अब तो इसको मजा आता है, राइड करने में भी मजा आएगा, स्क्रैचलेस हो गया अपनी बाइक बिल्कुल, मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मॉर्निंग का राइड है हमारा, और चलते हैं लेके अपना। क्विक शिफ्टर भी ऑन है और डाउन स्विफ्ट भी ऑन है गाइस, चलते हैं निकलते हैं इसको। ओ लुक आती है ना भाई साहब, चलो आगे स्टार्ट करते हैं, पीछे से पूरा ट्रक ही आ रहा है, आगे जाके स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे रिक्स नहीं लेना, बहुत ज़्यादा टर्न भी है कि बस इसके लिए कैल्शियम के लिए इसको बिल्कुल सीधा रोड चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टर्न उन नहीं होना चाहिए, बहुत रिक्सी हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी चेक कर लिया जाएगा कि ब्रेक इसे कैसा लग रहा है कैसा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल सीधा लग रहा है, तो सीधा से यहाँ स्टार्ट करते हैं, अपना कैल्शियम ऑन करते हैं पहले न्यूट्रल में लेके। बहुत ज़्यादा ट्रक भी आने वाला है पीछे से, और देख सकते हो हमारी पूरा फुल पीपीएफ भी हो गया है बाइक पूरा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा गाइस, थोड़ा सा ट्रक लोग को जाने देते हैं, थोड़ा सा हमको खाली रोड चाहिए कैल्शियम ऑन करने के लिए, लॉन्च कंट्रोल ऑन करने के लिए। उसके बाद देखते हैं इसके पावर का से कोई दिक्कत ही नहीं है, पावर तो बहुत भयंकर पावर है इस बाइक का, तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस बाइक का साउंड भी लाउड हो गया है, बहुत ज़्यादा ही लाउड हो गया है जब से इसका चेंज हुआ है फिल्टर की वजह से, कैनन का फिल्टर लग गया है तो और ज़्यादा लाउड हो गया है। तो देखते हैं गाइस फर्स्ट गियर में कितनी भागती है, 160 भागने वाली है तो मालूम है, पर देखते हैं कितना हम ले जा पाते हैं इसको। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना कैल्शियम ऑन करते हैं इसका, राइडर मोड 1 में तो लगा हुआ है, तो बस कैल्शियम ऑन हो जाए। तो गाइस कैल्शियम ऑन हो चुका है, लॉन्च कंट्रोल ऑन हो चुका है, अब देखते हैं स्टार्ट करते हैं इस बाइक को, अब अपनी मॉन्स्टर को स्टार्ट। सब डर जाते लोग, बहुत पावर है भाई, मैं तो फिर पीछे जा रहा था बाइक लेके, इतनी ज्यादा लाउड है भाई, फिर मेरे पीछे बैग दिखने लगा है, पीछे मेरा बिल्कुल कवड़ने लगा वो। अरे यार फर्स्ट ट्रायल तो बहुत काफ़ी मज़ेदार रहा है इस बाइक का, और स्टार्ट करते हैं फिर से अपना कैल्शियम ऑन करना पड़ता है, बार बार रुक के ऑन करना पड़ता है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं कैल्शियम, पहले तो ऑन हो चुका है, देखते हैं फर्स्ट गियर चैलेंज कितना होने वाला है। बस इस ट्रक को जाने दो भाई लोग, अरे यार कोई ना कोई आ ही जाता है,
तो कैल्शियम ऑन हो चुका है, लॉन्च कंट्रोल ऑन है। स्टार्ट करते हैं पहले बाइक को, आवाज़ पहले सुनते हैं गाइस। आप लोग को पहले आवाज़ सुना देता हूँ मैं पहले तो इसका। वाओ यार वाओ, क्या तबाही आवाज़ है यार। फर्स्ट गियर चैलेंज करने वाले गाइस, स्टार्ट करते हैं एक गियर पहले से। ओहो अरे यार क्या हो रहा है, ये पूरा स्केट कर गई थी बाइक, पूरा पीछे से पूरा स्केट कर गया था बाइक। बहुत ज्यादा लाउड है यार, बहुत ज्यादा फुल्ली पावर है। ऐसे तो इस रोड में बहुत दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं कहीं खाली रोड बस मुझे मिल जाए। बस लगता है बहुत ज्यादा पेट्रोल जाने वाला है बाइक का। ये रोड देख रहे हो ना कैसा रोड है यहाँ का, तो इसलिए मुझे खाली रोड ढूंढना पड़ रहा है बार बार। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे इस रोड के वजह से, इस फोर लाइन के वजह से। को चाहिए बिल्कुल ट्रैक रोड, बिल्कुल सीधा रोड चाहिए। इस बार बार टर्न लिया जा रहा है, बार बार कहीं ठोकर मिल जा रहा है, तो इस बाइक को बहुत प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर मुझे प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इस बाइक को बिल्कुल सीधा रोड चाहिए, और उसी के लिए मुझे कहीं कहीं थोड़ा बहुत आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो आगे चलते हैं गाइस और देखते हैं कैसा हमारा सीन रहता है। खाली बस मिलना चाहिए मुझे बिल्कुल। तो फर्स्ट गियर चैलेंज हो जाएगा पहली बात तो, सेकंड गियर ऐसे ही ले रहा हूँ तो कोई ना कोई बीच में आ जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं कहीं बस खाली बस मिल जाए, बस खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, साइड साइड से नहीं हट जाओ ऐसे। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते, देखते फिर से ऑन करते कैल्शियम, और यहाँ थोड़ा सा खाली बस मुझे मिल रहा है जैसा कि देख रहे हो आप। तो ऑन करते हैं गाइस कैल्शियम फिर से। तो कैल्शियम ऑन है गाइस, चलो फर्स्ट गियर। ओह बहुत डर लगता है, चलो जय श्री राम। बाप रे बहुत ज्यादा पावर है भाई, बहुत ज्यादा पावर यार, बबल हो गया था हैंडल, बिल्कुल बबल हो गया था हैंडल, बहुत डर लगता है यार इस को लेकर। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं अपने आप को, ज्यादा भी पी के नहीं चला। ओ मैं तो ले नहीं जा पा रहा हूँ यार इस बाइक को, बिल्कुल नहीं ले जा पा रहा हूँ मैं सीधा। इसके लिए बिल्कुल ट्रैक रोड चाहिए, सिंगल रोड चाहिए बिल्कुल यार। ओहो कंट्रोलिंग पावर, मेरा पूरा बबल हो गया था हैंडल यार, ये तो वह जैसा रोड है वैसा ही होगा यहाँ बिल्कुल। इसका रोड पर स्ट्रेट चाहिए इस चीज के लिए। पीसीआर वाले चलो गाइस चलते आगे, इसके पार अभी तक बाइक गया नहीं है इस जगह का। चलो कोई ना फिर से हमला सवारा, देखते हैं कैसा है इस तरह। ओहो थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए सिनार में। इतना ज़्यादा पावर होने के बाद, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगता है ये बाइक। बस फास्टैग अटैक पैसा ना कट जाए। चलो गाइस यहाँ स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ओह बाप रे बाप, बाप रे बाप, मुझे बिल्कुल खींच दे रहा है पीछे, बिल्कुल पीछे खींच दे रहा है मुझे, फेंक दे रहा है बिल्कुल पीछे मुझे। बिल्कुल फ्री चाहिए यार इस, ऐसा रोड तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। सब लोग का नजर बिल्कुल इधर ही है। अरे यार बहुत गुस्सा आ रहा है,
ये रोड खाली मुझे मिल ही नहीं रहा है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। दिक्कत हो जा रहा है। देख रहे हैं कैसा बबल कर रहा है ये रोड, बहुत ज्यादा परेशानी। हजारीबाग में बिल्कुल ऐसा रोड नहीं है यार, बहुत जरूरी चाहिए हम लोगों को रोड ऐसा। हजारीबाग में बिल्कुल भी नहीं है भाई। ओहो पूरा प्रॉब्लम होता है यार मुझे ना इस जगह। हजारीबाग में बिल्कुल रोड ही वैसा नहीं मिल रहा जहाँ मैं लॉन्च कंट्रोल करके अपना फर्स्ट गियर चैनल को पूरा कर पाऊंगा। इसमें एक प्रॉब्लम हो जा रहा है इस जगह पे। थोड़ा गांव एरिया ना, थोड़ा परेशानी तो होता ही है इस साइड। चलो कोई ना यार, चलते हैं आप वापस। अरे बिल्कुल डेंजर रोड है ये, बहुत डेंजर। मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ मैं। घर पहुँचते पहुँचते ट्राई कर लेना ये। तो ज़्यादा रिक्स नहीं लिया लेते गाइस, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर पर भूल जाता है इस जगह का। रोड देख रहे हो ना, जहाँ तहाँ कटिंग है, बार बार ऐसे ऐसे बार गाड़ी फेंक दे रहा है स्पीड में बिल्कुल। तो थोड़ा सा रिस्क बहुत नहीं लेते हैं, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखते हैं, अपना बाइक का भी ख्याल रखते हैं, तो पार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा डर लगता है कि इस रोड जैसा है उस तरह का बिल्कुल ट्रैक रोड चाहिए इस बाइक के लिए। बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बबल बार बार बबल कर रहा है जैसे। इसी तरह इसीलिए प्रो राइडर के वजह से ऐसा, प्रो राइडर के साथ ऐसा हो चुका है। इस तरह से उस तरफ पे फेंका गया था बेचारा वो। तो उसके लिए रोड थोड़ा हमको बिल्कुल प्लेन चाहिए। तो यहाँ पे ट्राई नहीं करते हैं, बार बार टर्न है, बार बार इधर है, तो हजारीबाग में ऐसा हो नहीं पा रहा है गाइस। देखें कभी हम लोग रात जाएंगे तो वहाँ पे ट्राई जरूर करेंगे, फर्स्ट गियर चैलेंज भी करेंगे। और 300 बार भी भगाना है इस बाइक को। ये गंदी सी सड़क है, कितना दम धूल उड़ा रही है भाई। ये सड़क कब तैयार होगा, कब 6 लाइन चौड़ा होगा। सब लोग का रिएक्शन देखने लायक है गाइस यहाँ का।